नमस्कार दोस्तों, आईपीएल की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई है भाई जैसा कि आईपीएल के फैंस ने चाहा था, यानी कि हर मैच लास्ट के ओवर तक जाए और फन देखने को मिले। सिर्फ एक मैच को छोड़कर जीटी वर्सेस सीएसके को मैच को जो मैच एक तरफा देखने को मिला, बाकी सारे मैच में भाई कोई नहीं बता सकता था कि भाई मैच एंड तक कौन जीतेगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच खेले जाने वाला कल का मुकाबला, यानी 28 मार्च को 7:30 बजे जो खेला जाएगा जयपुर के मनसिंह इंदौर स्टेडियम में। यह भाई राजस्थान के रजवाड़ों का गढ़ है, यहाँ पर इन्हें हराना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के कंपैरिजन के बारे में, कौन सी टीम का टीम ऑर्डर बढ़िया है, कौन सी टीम की मिडल ऑर्डर बढ़िया है और कौन सी टीम हेड टू हेड मुकाबलों में बेहतर नजर आती है। अभी तक दोनों टीमों के बीच आईपीएल में 27 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जहां पे राजस्थान ने 14 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल ने 13 मैच, यानी कि ये मुकाबला भी आपको टक्कर का देखने को मिलेगा। लास्ट मैच इसी ग्राउंड पर 2019 में खेला गया था, जहां पर भाई दिल्ली कैपिटल ने 6 विकेट से जीत प्राप्त की थी। ये हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, जहां पर ऋषभ पंत ने भाई 78 रनों की तबाहतोड़ पारी खेली थी। तो इस मैच में फिर से ऋषभ पंत टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। अगर दोनों टीमों की बात करी जाए तो इस ग्राउंड पर हेड टू हेड इन्होंने खेले हैं 6 मैच, जिसमें से आरआर ने 4 मैच जीते हैं और दिल्ली कैपिटल ने 2 मैच, जिससे पता चलता है कि भाई यहां पर राजस्थान का दबदबा देखने को फिर से मिल सकता है। अगर बात करें दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, भाई जो राजस्थान की प्लेइंग 11 निकल के आती है वो पहले वाले मैच की होगी जो लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेला गया था। मुझे नहीं लगता कि भाई इन्हें कोई चेंज करने का भी सोचेंगे। यशस्वी जायसवाल, जोएस बटलर, संजू सैमसन, रियान प्रयाग, सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, आवेश खान, युजवेंद्र चहल और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको नैंद्रे बर्गर दिख सकते हैं। यहाँ पर वो हो सकता है कि सिमरन हेटमायर की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नजर आए। डिपेंड करता है कि राजस्थान की पहले बैटिंग आती है या बॉलिंग आती है। अगर पहले बैटिंग आई तो भाई नॉर्मली सी बात है, सिमरन हेटमायर को बैटिंग कराने के बाद रिप्लेसमेंट के तौर पर, यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नैंद्रे बर्गर को बॉलिंग में लिया जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए तो वो इस प्रकार हैं: डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, साई होप, ऋषभ पंत, रिक्की भुई, ट्रिस्टन स्टब्स, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, खलील अहमद, निशांत शर्मा। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आपको पृथ्वी शो, अभिषेक पोरेल, मुकेश कुमार देखने को मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि भाई पहले बैटिंग आती है बॉलिंग। दोनों टीमों की टॉप ऑर्डर की बात करी जाए तो भाई राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल और जोएस बटलर टीम को अच्छी शुरुआत देते हैं, हमेशा की तरह कम गेंदे खेलते हैं और ज्यादा रन मारते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल की बात करी जाए तो मिचेल मार्श और डेविड वार्नर आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे फिर से। हालांकि पहली पारी में दोनों ने अच्छी शुरुआत नहीं दी थी, लेकिन डिपेंड करता है कि भाई सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये जहां पर मैच होने जा रहा है वो काफी बैटिंग फ्रेंडली मैच है, तो दोनों टीमों की ओर से काफी अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। राजस्थान का मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, जैसे कि आपने पहले ही देखा था कि भाई जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बावजूद भी रियान प्रयाग और संजू सैमसन ने अच्छी पारी खेली और टीम के स्कोर को अच्छे स्कोर तक लेके चले गए। वहीं ध्रुव जुरेल भी इनकी टीम में शामिल है और सिमरन हेटमायर भी, जो टीम की मिडिल ऑर्डर को काफी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल के मिडिल ऑर्डर की बात करी जाए तो भाई पहले मैच में ऋषभ पंत के अलावा कोई भी नहीं चल पाया। इनकी टीम में शामिल है साई होप, मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं जो खेलने के लिए, ट्रिस्टन स्टब्स भी शामिल है, अक्षर पटेल भी हैं, प्लेयर इनके पास अच्छे हैं। लेकिन एक बंदा जो काफी इंपैक्टफुल रहा था, अभिषेक पोरेल, जिसने अच्छी पारी खेली थी, उम्मीद करते हैं कि इस बार भी वो बंदा अच्छी पारी खेलेगा। वहीं राजस्थान के बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो भाई जो उनका पेसर अटैक है वो काफी खतरनाक है, यानी कि ट्रेंट बोल्ट आपको पहली ओवर में विकेट दिलाते हुए नजर आएंगे, टीम को बड़े बड़े झटके देते हैं जिससे कि टीम बैकफुट पे चली जाती है। साथ ही में इनके साथ अब जुड़ गए हैं नैंद्रे बर्गर, जो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो भी काफी इनकी मदद करते हैं टीम पर प्रेशर बनाने में। वहीं दिल्ली के पेसर बॉलिंग अटैक की बात करी जाए तो खलील अहमद, मिचेल मार्श और साथ ही में ईशांत शर्मा ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन वो इंजरी के कारण बाहर हो गए थे, उम्मीद करते हैं कि इस मैच में वो जरूर खेलेंगे। वहीं स्पिनर डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो राजस्थान की ओर से भाई युधि चहल और रविचंद्र अश्विन खेलते हैं, जो काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आपको कभी भी विकेट निकाल कर दे सकते हैं, यानी कि कभी भी एक मैच को पलट कर आपकी झोली में डाल सकते हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल के स्पिनर डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव आपको नजर आएंगे, दोनों ही कंजूस बॉलर हैं, बहुत ही कम रन देते हैं और कभी भी विकेट निकाल के दे देते हैं, जिससे कि टीम प्रेशर में आ जाती है। दोस्तों, जहां ये मैच होने वाला है वो राजस्थान का अपना गढ़ है, जहां इनको हराना भाई काफी मुश्किल है। तो ऐसे में देखना होगा कि भाई दिल्ली कैपिटल के बॉलर्स क्या राजस्थान के बैट्समैन को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते, क्योंकि हेड टू हेड मुकाबलों में भाई राजस्थान इनसे काफी आगे है।